बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द साइंस क्लास 7। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 10। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्कबुक पेज नंबर 10 पढ़ेंगे। उससे पहले हमने 9 जो है वो कवर कर लिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीडिंग। सीड्स जर्मिनेट स्टार्ट ग्रो अर्लियर इन सॉइल दैट इज कवर्ड विद अ ब्लैक प्लास्टिक शीट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सीड जर्मिनेट स्टार्ट ग्रो। जब सीड जर्मिनेट होता है, स्टार्ट ग्रो होता है, तो वो कवर्ड है, तो क्या होता है? विथ ब्लैक प्लास्टिक शीट। तो ब्लैक क्या है? ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। आपको पता है, हमने पढ़ा था, ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो सीड के लिए हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है। हेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेपर डेकोरेशंस फ्लटर मीन्स हम पेपर जो है उससे डिफरेंट फिल्टर्स बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। इफ़ दे आर पुट ऑन अ वॉल, अगर आप वॉल पे पुट करते हैं अबव अ हॉट रूम हीटर, तो क्या होगा? कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में आपको पता है हीट जो है राइज होती है ऑन स्ट्रेट हीट, राइट, स्ट्रेट होती है कन्वेक्शन करंट। जैसे हम कोई रूम में हीटर चलाते हैं तो हीट पूरे रूम में जो है होती है। कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर आर प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर। कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस क्या करता है? हीटर। एज द वार्म एयर राइजेज, उसमें से क्या होता है? वार्म एयर राइजेज होती है। इट मेक्स द पेपर डेकोरेशन फ्लटर। पेपर डेकोरेशन को फ्लटर बना, ये मेक बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज फ्रॉम द लिस्ट अबव पिक आउट द 3 एग्जाम्पल्स दैट इन्वॉल्व हीट ट्रांसफर बाय। हमने हीट ट्रांसफर 3 प्रोसेस में पढ़े थे। नंबर फर्स्ट इज द कंडक्शन, नंबर सेकंड इज द कन्वेक्शन एंड नंबर थर्ड इज़ द रेडिएशन। फर्स्ट कंडक्शन हमने पढ़ा था, किसी भी सॉसपैन में अगर हम कुछ पकाते हैं तो अगर स्पून से अगर उसे हिलाते हैं तो हमारे हाथ बर्न होते हैं, मींस स्पून जो है हमारे वो गुड कंडक्टर है। तो वो क्या है? मेटल है। यहाँ पे क्या है आंसर कंडक्शन का? सॉसपैन विद अ प्लास्टिक हैंडल। सॉसपैन में प्लास्टिक हैंडल होता है, ठीक है। फ्लफ्ड आउट फीदर्स इन अ बर्ड्स, तो डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कंडक्शन के। वियरिंग अ टाइट शर्ट ओवर अ स्ट्रिंग वेस्ट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स कंडक्शन के हमने पढ़े। कन्वेक्शन ग्लाइडर पायलट्स फ्लटरिंग ऑफ पेपर डेकोरेशन, तो इसमें पेपर डेकोरेशन की जो है फ्लटरिंग वो भी है कन्वेक्शन में। स्टूडेंट्स, हम ऊपर जो पढ़ के आए फ्लटरिंग पेपर कन्वेक्शन में, तो ये किसका है एग्जाम्पल? कन्वेक्शन का। तो हम क्या रखेंगे इसमें? डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लटरिंग ऑफ पेपर डेकोरेशंस जो है एयर जो है राइजेस होती है, हीट एयर, वो डेकोरेशन भी जो है उसमें होती है। कोल्ड एयर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर डोर, रेफ्रिजरेटर डोर में आपको पता है उसमें से कोल्ड एयर जो निकलती है तो वो भी स्ट्रेट जो है राइज अप होती है, तो वो किसमें है? कन्वेक्शन का। एग्जाम्पल किसका है? कन्वेक्शन का। ओके, रेडिएशंस, रेडिएशंस आपको पता है कार रेडिएटर्स पेंटेड ब्लैक। कार रेडिएटर्स, हम कार को जो है पेंटेड ब्लैक हम करते हैं, को उसको क्या देते हैं? रेडिएशंस। रेडिएशन के थ्रू हम कोई भी कलर उसे दे सकते हैं। हाउसेस पेंटेड वाइट, हाउसेस पेंटेड वाइट। तो हमने पढ़ा था जो कंट्री सनी होती है तो उसमें हाउसेस, उसकी वॉल जो होती है आउटसाइड, वो पेंटेड वाइट करते हैं, क्योंकि उसके फिर वो वाइट करेंगे तो वो इनसाइड जो है हीट जो ऑब्जर्व नहीं होती, तो वो अंदर से जो है घर वो कूल होते हैं, मींस हाउसेस जो है अंदर से वो कूल होते हैं, तो वो रेडिएशंस जो है वो मूव करते हैं। हाउसेस पेंटेड वाइट, सॉइल कवर्ड विद अ ब्लैक प्लास्टिक शीट। सो हेयर सम एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है वर्कबुक का वो कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो होमवर्क है वो है, फर्स्ट लेसन जो हमने फेयर किया है हीट एंड टेम्परेचर का, वो आपको याद करके मुझे वॉइस नोट पे व्हाट्सएप पे बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।